हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जय स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं कि ये वाले कपड़े को आपको कटिंग हम नहीं दिखा पाए थे क्योंकि अर्जेंट बनाया था। तो आप ये देख लीजिए, हमने इस तरह से आस्तीन को बनाया हुआ है, ठीक है। और इसको जो है आप देखिए गले में की पाइपिंग, सामने बैक की पाइपिंग है, और ये आस्तीन को हमने इस तरह से मोड़ा हुआ है कि आपको पूरी आस्तीन दिखाई दे, ठीक है। तो ये कपड़ा जो है बहुत ही शानदार है। मेन चीज़ है कि कपड़ा जो हमारी औरतें यहाँ की हैं बेचारियों, उनको गर्मी बहुत लगती है, तो उनके लिए ये कपड़ा बहुत ही शानदार है। कॉटन है और बहुत आरामदायक है। तो आप लोग इस तरह की भी डिज़ाइन के कपड़े खरीद सकती हैं। इसको देखिए, काटने के लिए वही सेम तरीका है कि यहाँ से ले कर और ये यहाँ तक की लंबाई होती है, ठीक है। अब ये लंबाई हो गई, जब लंबाई का निशान हमने यहाँ लगा लिया, तो लगाने के बाद फिर ये जो चाक खुली है, ये देखिए यहाँ पास से नाप ली जाती है, ठीक है। यहाँ से ले लिया, उसके बाद फिर हम ये कमर पे से, यानी कि ये जो देखिए यहाँ से, ये देखिए अरमोल से ये जो राउंड हो रहा है यहाँ पे, तो ये कमर हो जाती है। यहाँ ये 14 इंच पर आती है तो कमर हो गई, और ये जो अरमोल होता है यहाँ से नीचे, ये देखिए जॉइंट, यहाँ से ये अरमोल से ये वाले अरमोल तलक क्या होता है कि ये सीना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक सीधा निशान लगता है, कमर से लगता है, हिप के पास से लगता है, और वहाँ पे दामन के पास से लगता है। उसके बाद में शोल्डर के पास भी एक सीधा निशान लग जाता है, और यहाँ से सीधा जब ऐसे लगता है तो थोड़ा सा इसको डाउन कर दिया जाता है आधा इंच, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जितना अरमोल रहता है, यहाँ के अरमोल के पास से इसको सीधा कर देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझा दें। ये देखिए जो ये अरमोल, तो जब हम ये यहाँ सीधा निशान लगा लेते हैं, तो यहाँ से ले कर जो यहाँ तक जो डाउन करते हैं, तो ये 7 इंच पे करते हैं, तो जितना अरमोल आता है वो सही एकदम फिट रहती है लेडीज़ को, ठीक है। लेकिन अगर उसकी कोई नाप है, उसमें जितना अरमोल है तो उतना ही रखना पड़ता है। अगर यहाँ से आपका 7 पे डाउन होने में 8.5 आ रहा है, तो उसका 9.5 है, तो हमें यहाँ से थोड़ा सा उतारना पड़ता है, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे निशान लग गया, कमर पे लग गया, हिप पे लग गया, दामन में, फिर इसको हम पट्टी के द्वारा सीधा सीधा निशान लगा लेते हैं, ठीक है। इसको डबल कपड़ा करके काटा जाता है, ठीक है। इसको डबल कपड़ा इस तरह करके तब निशान ऐसे लगता है ऐसे इस तरह, ठीक है। ये तो बनी हुई है, और अगर आप जो है और वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत से में हमने कटिंग करते हुए दिखाया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर ये साइड से हम इतना दबाव रख के पूरा काट देते हैं नीचे तक, और उसके बाद शोल्डर पे एक सिलाई दबाव, और यहाँ पे जो निशान रहता है हम पहले ही से दबाव ले ले तो उसी पे निशान पे कटिंग हो जाती है, ठीक है। पीछे के हिस्सा काटा जाता है, यानी कि ये यहाँ पे से यहाँ से ऐसे कटता है, बाद में सामने का हिस्सा थोड़ा निकाल दिया जाता है, तो ये हमारी कटिंग हो जाती है। फिर उसके बाद जब हम बनाने के समय, और उसके बाद कटिंग में और देख लें कि कटिंग जब हो जाती है इस तरह से पूरा यहाँ से दबाव रख लेते हैं, दामन में इतना दबाव बढ़ा के रख लेते हैं, तो ये हमारा सामना बैक कट जाता है, ठीक है। अगर सामना काट लिया, फिर बैक पर छाप के, यानी जो है सामना कट गया, फिर बैग उसी को रख के दूसरे बैग के कपड़े पे छाप लिया जाता है, उसको छापना कहते हैं हमारे इलाहाबाद में, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप अपने हिसाब से समझ। फिर आस्तीन की लंबाई, मोहरी, और यहाँ से बल्ला नाप के, और इसका जो निशान ये हम डाउन करते हैं बल्ले पे, तो अपने आप ही जहाँ पे हम लोग बल्ला रखते हैं, जैसे यहाँ 4.5 इंच रखा, अगर गला डीप है, ठीक है, अगर जो है गला छोटा है, तो हमें क्या करना है कि फिटिंग में रखना पड़ता है, वो पकड़े रहता है, ठीक है। तो जितना उसके नाप में कस्टमर के अरमोल रहे, उतना ही आप इसको भी रख के, और उसके बाद यहाँ पट्टी के द्वारा राउंड पट्टी से निशान लगा लें, फिर इतना दबाव आस्तीन का रख के कटिंग कर दें, ये कटिंग हो जाती है। उसके बाद सिलाई दोस्तों कैसे किया, सिलाई हमने यहाँ से लेके चाक तलक जहाँ तक किया सिलाई किया,
दोनों साइड पे इधर भी और ये साइड पे भी करने के बाद में आप देखिए ये साइड पे भी, यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं कि ये देखिए चिकोटी जो है ज़रूरी है। ये देखिए जो चिकोटी लगती है इससे क्या होता है कि आपका दामन जो है वो बहुत मज़बूत रहता है। वो चाक के पास का जब आप उठती बैठती हैं तो आपका कपड़ा फटता नहीं है। और ये सब चीज़ें इंटरनेशनल लेवल का काम होता है दोस्तों, ये नेशनल लेवल का नहीं है। ये सब चीज़ हर कोई को नहीं मतलब मालूम रहता, करता कोई नहीं, लेकिन हम कर देते हैं कि हमें कौन सा नुकसान है। किसी को फ़ायदा होता है तो हो जाए ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा आजकल का मतलब टाइम बचाने के लिए इसमें नहीं लगाते इसको, और वो जल्दी से फट जाता है यहाँ से। तो वो फिर अल्ट्रेशन आप बनाएंगे 20-25 रुपया 50 रुपया देंगे या खुद ही हाथ से गूँथेंगे, ख़राब लगेगा। तो इस तरह से इसको लगाना ज़रूरी है। उसके बाद इंटरलॉक कर लेते हैं तो उसके बाद इंटरलॉक करने के बाद चार दामन में सिलाई लगा देते हैं डबल। आप देखिए डबल सिलाई आप देख रहे होंगे, ये देखिए डबल सिलाई लगा दें। डबल सिलाई लगाने के बाद आपका काम हो जाता है पूरा ठीक है नीचे का। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि सामने का गला जितना है उतना काट लेंगे, पीछे का गला जितना है काट लेंगे। जितनी कंधी है जो नाप होती है उसमें ये सब चीज़ नापनी पड़ती है, उसी हिसाब से आप काट लें। फिर कंधी को पक्की लप कर लें या कंधी को सिल के इंटरलॉक कर लें। उसके बाद ये पाइपिंग जो है निकाल लीजिए तो हमारा ये सामना बैक रेडी हो गया। यानी अब इसमें आस्तीन बना के चढ़ाना है। अब आस्तीन को इस तरह से, और ये इसमें जो लगती है फुल औरेब कपड़ा लगता है, औरेब पाइपिंग निकालने के लिए फुल औरेब काटा जाता है। यानी ये कपड़ा जैसे है, ये कपड़ा है तो इसको आप इस तरह से क्रॉस काटें। यहाँ पे आपको दिखाते हैं इस तरह से आप ऐसे रुमाल बनाइए, ऐसे ये देखिए रुमाल बना, तो ये फुल औरेब है ठीक है, इसको बोलते हैं फुल औरेब। ये कपड़े को आप काटिए, उसके बाद आप आस्तीन को जब बनाते हैं तो पहले हम नीचे में डबल सिलाई लगा लेते हैं। डबल सिलाई लगाने के बाद इसको कच्ची लब से पक्की लब इसको बना लेते हैं। एक बार कच्ची लब सिलते हैं सीधे तरफ से, और फिर उसके बाद इसको हम चोर सिलाई जिसको कहती हैं औरतें, तो इसको हम सिलाई कर लेते हैं ठीक है। देखिए चोर सिलाई आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से फिनिशिंग से आप करेंगे तो आपके पास कस्टमर, आप भागेंगे कस्टमर से तब भी आपको कस्टमर नहीं छोड़ेगी ठीक है। जो अच्छा कपड़ा पहनने वाली रहती हैं तो वो आपके काम से पहचानती हैं कि आपको काम आता है कि नहीं आता है। तो इस तरह से आस्तीन बन जाती है इधर की भी और ये साइड की भी। ये साइड को भी दिखा दें आपको, देखिए ये साइड भी हम इस तरह से बिछा के रखे थे अच्छा सा, तो आपको दिखाते हैं। इस तरह से आप आस्तीन को सिलाई कर लेते हैं ठीक है। सिलाई जब हो गई तो उसके बाद हम इसमें तार काट लेते हैं। आस्तीन में भी इस तरह से ऐसे तार कटा रहता है, यहाँ पे से थोड़ा सा ऐसे करके निकल जाता है और इसमें भी निकला रहता है। तो जिसमें आस्तीन में निकला हुआ है और इसमें निकला हुआ है तो वो उसी तरफ का रहेगा, तो और जिसमें नहीं तार निकला है वो पीछे तरफ जाएगा, तो पीछे में भी तार नहीं कटता, तो इसलिए पीछे का पीछे में जाएगा आगे का आगे में जाएगा। तो हम आस्तीन को यहाँ से देखिए ये जो जॉइंट है जॉइंट से पकड़ते हैं और उसके बाद ये दोनों को सामने बैक को जब मिलाते हैं जहाँ पे ये बराबर आता है, यानी यहाँ से पकड़ लेते हैं और जहाँ से ये बराबर आता है वहीं पास हम ये जो है आस्तीन का जॉइंट देखिए चढ़ाते हैं। यहाँ से मिला के नहीं चढ़ाते ठीक है, इसलिए कि जब ये पहनती हैं औरतें तो देखिए ये सीना उठता है ना, तो ये देखिए अपने आप ही ये इस तरह से आ जाती है। तो ये बैग जो है वो सामने की तरफ भागता है पीछे नहीं भागता है। तो इस तरह से हम आस्तीन को भी चढ़ाते हैं और इस तरफ से भी चढ़ा लेंगे और उस तरफ से भी चढ़ा लेंगे। ये हमारी फिर जो है कमीज़ पूरी हो जाती है, एकदम कंप्लीट हो जाती है। अगर इसमें कहीं पास धागा निकला है तो उस धागे को भी काट दिया जाता है जिसमें खूबसूरत दिखे। और इसके अंदर भी आपको दिखाते हैं कि इंटरलॉक हम किस तरह से करते हैं। ये देखिए आप पलट के भी दिखाते हैं, क्योंकि ऊपर से सफाई होना तो अच्छी बात है लेकिन अंदर से भी सफाई होना चाहिए। ये देखिए हम यहाँ से, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये
इतना हिस्सा, यानी करीब ये देखिए आपको हम बताते हैं यहाँ से, और ये उंगली का छोटी उंगली जो है वहाँ तक इसको हम अलग कर देते हैं। ये देखिए कभी जब आप इसको, अगर मान लीजिए कि अगर आप ये बाद में इंटरलॉक करते हैं इस तरह से दोनों पकड़ते हैं, तो होता क्या है कि इंटरलॉक यहीं तक होगा और यहाँ से जो है ये सही नहीं आती, ऐसे करके रहता है। और यहाँ से जब तरह चीज़ें जब औरतें पहनती हैं तो ऐसे अच्छा सा हिप के पास आ जाता है, ऐसे फूला फूला नहीं रहता है। तो इन सब बातों का भी अच्छे काम के लिए याद रहना चाहिए, तब आप जाके अच्छा काम कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का इंटरलॉक हम पूरे में करते हैं, और जब जाके कस्टमर फिर आती है और अच्छे पैसे दे के जाती है। उम्मीद है आप सभी बहन भाई भी हमें अच्छा काम सीखेंगे, जिनको नहीं आता बिल्कुल से वो एकदम आसानी से हमारे काम को देख के सीख सकती हैं। उम्मीद है सभी बहन भाइयों को पसंद आएगी वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। देखते रहिए जय स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।